तो कहानी शुरू करते हैं काशी में बहती गंगा मैया से, जहाँ एक अलग ही प्रकार का सुकून आपको मिलेगा। भले वो यहाँ का पानी हो, हवा हो या खाना, हर चीज़ में ही कुछ अलग बात है जनाब। और सबसे अद्भुत चीज़ जो आपको यहाँ पे फील होगी, वो पॉजिटिविटी या वो पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ की गंगा आरती, जिसे देखने के लिए लाखों लोग एकत्रित होते हैं। और हाँ, ये वही घाट है जहाँ पे कभी चिताएं रुकती नहीं, हर वक्त अपनी आग से इस घाट की रोशनी को बनाए रखती है। हाँ, ये वही मणिकर्णिका घाट है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस बनारस की कहानी को। और कहानी के शुरुआत में ही हमारे साथ एक घटी एक दुर्घटना। भैया एक्सीडेंट हो गया, बड़े ही गंदो एक्सीडेंट हो गयो। अब क्या होगा? अबे वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, उसका बाइक पता नहीं क्या टूट गया। वो तो चुपचाप खड़ा है। हमारी बनारस की पहली गुड मॉर्निंग। देखो गाइस, पूरा टूट गया भाई का, पूरा हुआ पूरा। लेकिन बोल रहे भैया कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन कोई बात नहीं। सो गाइस, फाइनली हमें अपना कमरा मिल चुका है और अपन लोगों अब आ गए चाय पीने। चेतन भाई, हाँ कुल्हड़ में दे दो। अब भाई ट्राई करेंगे पहली कुल्हड़ वाली चाय। सुबह की पहली चाय बनारस की भाई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत स्ट्रगल करा आज हमने। और फिर हमने आसपास घूमने की सारी चीज़ें अंकल से पता करी। और अब हमारा अगला काम था गंगा जी में स्नान करना और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना। तो हम सब निकल पड़े गंगा जी में स्नान करने के लिए। वी गॉट द वे टू केदार घाट एंड गाइस, अब दिखाने वाला हूं आपको वो सुकून जिसको देखने के लिए हम आए थे बनारस। सो दिस इज द केदार घाट। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे स्नान करने एंड आफ्टर डैट हमें भगवान जी का दर्शन करने। और भाई खाना देखने के बाद तो भूख इतनी लगी ना कि मैं रुक नहीं पाया, तो हम पहुँचे कुछ खाने। बनारस में एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको साउथ इंडियन खाने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं इडली, डोसा और वड़ा। सो अभी तो यहाँ पे डोसा बन रहा है एंड ये दोनों ट्राई करें भाई, कैसा टेस्ट है? ओके, डिफरेंट है भाई। एक्सप्रेस नहीं कर सकते बट इट्स काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा अलग है यहाँ का टेस्ट। एंड बड़ा और इडली अभी हम ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले भी आया था तो मैंने यहाँ पे ना फ्राइड इडली खाई थी, बट वो यहाँ पे नहीं है। देखूंगा अगर कहीं मिलता तो मैं आपको बताऊंगा। है फ्राइड है। और यार उसके बाद भैया ने हमारे लगाया गरम गरम डोसा, जो कि यार बहुत ही टेस्टी था। एंड उसके बाद हम पहुंचे घाट की ओर स्नान के लिए। हमने फाइनली बोट वाले भैया को मना लिया। पहले इन्होंने बोला 800 रुपए लेंगे उस पार ले जाने के, क्योंकि नहाने का ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिस्टम नहीं है नहाने का, तो उस पार है नहाने का। तो अंकल कह रहे थे 800, मैंने कही 100 रुपए सवारी, मना कर रहे, कह रहे 500। फिर मैंने चले गए, फिर कह रहे आ जाओ। तो ये स्ट्रेटजी आप भी अपनाना। ट्राई कर रहा है बोट चलाने का। गाओ क्या, कौन सा गाना था? माझी रे चेतन बैठ जा भाई। अरे गंगे वो बीच में दे देंगे तो तुम बाहर के इधर चले जाओगे। अच्छा, बाहर आए। अच्छा, उस तरफ है भाव। तो भाई अभी हम घाट के पास जाएंगे, फिर उसके बाद हम बोट चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रेशर ज़्यादा है पानी का। स्नान तो कर चुके हैं, यहाँ पे पानी बहुत ठंडा था, बट अब ऐसा लग रहा है कान एकदम सुन से हो रहे हैं। एंड अब जा रहे हैं हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। एंड मेन थिंग इज़ वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो फ़ोन अभी हम अपने रूम में रख के चले जाएंगे, तो वहाँ के दर्शन तो हम नहीं करवा पाएंगे। बाकी फिर उसके बाद शाम को गंगा आरती में आएंगे तो गंगा आरती आपको दिखाएंगे। यार अब हमें पहुंचना था काशी बाबा के दर्शन करने, और दर्शन के लिए यार फ़ोन तो अलाउड नहीं था जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो दर्शन करके हम जैसे ही निकले तो हमें फटाफट पहुंचना था गंगा घाट, क्योंकि गंगा मैया की आरती भी तो देखनी थी। भाई अब शुरू होने वाली है गंगा माँ की आरती, बट यार हम थोड़ा लेट हो गए आने में, हम दर्शन कर रहे थे। और फिर शुरू हुई वो आरती जिसकी बात मैंने आपसे शुरुआत में की थी, क्योंकि जब आप खुद यहाँ प्रेजेंट रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी, वो वाइब आप खुद फील कर पाओगे, जो मैं यहाँ खड़े होकर कर पा रहा था। और बस फिर निकल पड़ना अपने दोस्तों को लेकर इन पतली पतली गलियों से यहाँ की प्रसिद्ध मलइयों और रबड़ी को चखने। गाइस यहाँ की सबसे फेमस चीज़ मलइयों, जो कि हमें मिलती है सिर्फ ठंड के मौसम में।
फ्लफी टाइप, इट्स लाइक क्लाउड, एकदम बादल जैसा है। बस सूंघते नहीं है, खा के देखना। एंड इट्स रबड़ी, टेस्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, पागल है। फाइनली हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी कर लिए एंड उसके बाद गंगा आरती भी देख ली और उसके बाद हमने अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद भी पाया एंड अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। और भाई यहाँ पे हर जगह इडली सांभर डोसा बहुत चलता है मतलब, तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल रूम जहाँ पे हमने लिया है। और भाई अपन ने लिए अभी मोमोज पैक करवाए, यहाँ पे देखा था बड़ी भीड़ हो रही थी तो हमने मोमोज पैक करवाए। जाते हैं रूम में क्योंकि बैटरी यार बिल्कुल चार्ज नहीं है, और अभी हमने वहाँ पे इडली खाया और वड़े खाए। भाई सुबह से यही खा रहे हैं, फिर हमें मोमोज मिले तो हमने मोमोज लिए, अब रूम में जाके खाएंगे। एंड भाई आज तो थक गए, रात को देखते मणिकर्णिका घाट जाएंगे, तो वो अगर गया तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब चलते वापस रूम। तो अगले दिन की शुरुआत करी हमने गरम चाय की चुस्कियों के साथ और गरम गरम पूड़ी सब्जी। भाई अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह कचौड़ी, सुबह नहीं हो रही है 12 बज रहे हैं। वो थोड़ा मौसम का डिफेक्ट हो रहा है ना, तो अभी हम जा रहे हैं सुबह सुबह नमो घाट के यहाँ 7 बजे, खुद उठा 10 बजे। भाई आई एम सो टायर्ड बिकॉज कल हमने बहुत ज्यादा वॉक कर ली थी, सो अभी हम पहुँचते सबसे पहले यहाँ की ना भैया कहीं नहीं जाना, तो भाई यहाँ पे आपको गाइड बहुत मिलेगा। अरे यार जलेबी बना रहा है शायद, ये सोच के सुबह गरम गरम कचौड़ी और पूड़िया खाऊंगा, लेकिन कल से भाई 200 रेट भी खा रहा हूँ। अब मिला गरम गरम पूड़ी यहाँ पे और जो कि बहुत बढ़िया। सुबह सबसे पहले हम आए हैं अभी इस्कॉन बनारस के दर्शन करने, तो अभी अंदर चलते दर्शन करते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। और अब यहाँ पे देखते हैं पहले हमने कर लिए इस्कॉन बनारस के दर्शन एंड अब हम चल रहे हैं फाइनली नेक्स्ट टेम्पल जो है हमारा सारनाथ टेम्पल, ठीक है। अब चल रहे हैं सारनाथ, फिर उसके बाद चलेंगे BHU, ठीक है, फिर वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। भाई भैया ने बस ऑटो बताना चला दिया। ये पीछे जो देख सकते हो ये है मेरे काशी विश्वनाथ मंदिर BHU वाला, ठीक है। एक तो काशी विश्वनाथ है जो हम कल गए थे वहाँ पे फोन अलाउड नहीं था, यहाँ पे अभी हम फोन लेके अंदर आए और ये रहा मेरे पीछे मंदिर। और अभी अंदर चलते हैं, अगर हो सके अंदर दर्शन कराने का तो मैं अंदर रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसे देखो अभी तक नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे थे देर से। चलते बंदा, वो बंदा एक हमारे साथ है, आप देख ही सकते हो यहीं से। भाई अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी सारनाथ टेम्पल। चल भाई आगे चला जा। तो यार सुबह से इतना घूम रहे तो भूख तो दबा कर लगी थी, तो हम चले कुछ यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करने। तो हमने ली थी कचौड़ी और ब्रेड पकौड़े। इसका ट्राई कैसा? नहीं एवरेज, एक ही चीज़ चम्मच दे दो बस। तो ये छोले है बोला है, बट लाल लाल है, अब खा के देखते हैं कैसा ट्राई। बनारसी फूड हाउ इट्स, शक्ल क्यों बना रहा है भाई? तू खाएगा तो बता दूँ। अब हम दिखाने वाले आपको बनारस की स्पेशल साड़ी बनते हुए है। हाँ बन रहा है साड़ी, ठीक है। यहाँ पे एकदम देखो, दिखाता हूँ ये देखो, यहाँ पे एकदम सामने सामने आप कैसे बन रहा है। क्या है? अच्छा भाई अब यहाँ से देख के ऊपर वो हाथ से बना रहे थे, ये मशीन से है। अच्छा अच्छा घर ले जाने के लिए, खरीदने के लिए
मैं यहाँ पे ये धागा लगा हुआ है, ठीक है, देख रहे हो ये भैया चेंज कर रहे हैं, और फिर ये मशीन से बन रही है ये जो साड़ी है, ठीक है, और नीचे जो आपने देखा था ना तो हाथ से बना रहे थे, देखो भाई देखो चल गया। और इस ठंड के मौसम में घाट के किनारे जरा रुककर गरम चाय की चुस्की जरूर ले लेना, और फिर एक एक करके सारे घाट घूमना, ताकि हर घाट के महत्व को समझ पाओ और वहाँ की उस पॉजिटिविटी को फील करना। थोड़ा रुककर उस सुकून का मुझे जो एहसास हुआ वो आपको भी ज़रूर होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पे घाट की गर्मा गर्म कचौड़ी और नमकीन ट्राई करना मत भूलना। और फिर आती है बारी यहाँ के मणिकर्णिका घाट की, जहाँ पे कहा जाता है कि चिताएं कभी रुकती नहीं, क्योंकि पार्वती माँ का यहाँ श्राप है। लोग यहाँ दूर दूर से मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं, और सबसे अद्भुत बात कि यहाँ मौत पे मातम नहीं बल्कि जश्न मनाया जाता है। भाई अब जाने का टाइम हो गया, आते हैं आंटी, खुश रहो आना, ठीक भाई अब चलते हैं यहाँ से, टाइम हो गया। हाँ जी आंटी जरूर, भाई अब लेट हो रहे, जल्दी भागते हो, चलो हमें 6:30 बजे का है भाई, बातें पहनेंगे, चल 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 भाई, अब हम ले रहे हैं बहुत लेट, रास्ते में बस जाम ना मिल जाए तो हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, और हमारी बस है 6:30, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी। बनारस की गलियों में भी हमें भागना पड़ रहा है क्योंकि हम हो चुके हैं बहुत लेट। ऑटो वाले भैया कहाँ हैं? ऑटो वाले भैया ही नहीं, ऑटो छोड़ के चले गए। सो यार होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तभी आप शायद यहाँ तक देख रहे हो। तो कहानी को हम यही ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह। तो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड एक कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।